शादी पर ससुराल की तरफ से पहनने के लिए दिया पैंट कोट ठीक ना सीने और दूल्हे को बाजार से नया सूट पहनकर बारात में शामिल होने पर सार्फ अदालत में दुल्हा सलीम अख्तर ने शफीक टेलर अंदरून सांदा के मालिक के खिलाफ 1 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। मजीद तफसीलात शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक बताइए। शादी पर ससुराल की तरफ से दूल्हा को दिया गया सूट टेलर की तरफ से सही सीकर ना देने और दूल्हा के बारात में सूट पहनकर ना जाने पर सारिफ अदालत में 1 लाख रुपया हर्जाने का दावा शफीक टेलर के ख़िलाफ़ जो है वो दायर किया गया है। अदालत में ये दावा सलीम अख्तर जो सांदे के रहने वाले हैं उनकी तरफ से ये दावा दायर किया गया, जिसमें उन्होंने ये मौका अख्तियार किया कि मेरी शादी थी, मुझे ससुराल वालों ने एक सूट दिया कि ये बारात में पहन कर आना है, मैंने सांदा रोड के जो टेलर हैं शफीक उनको दिया, उनको बताया कि इसे अच्छे तरीके से सीकर देना है, बाकायदा अपना नाप भी दिया, लेकिन जब उसने मुझे सीकर दिया तो वो ठीक नहीं था, मैंने दोबारा उसे कहा लेकिन उसने इस सूट को जो है वो सही करके जो है वो नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे बाजार से नया सूट खरीद कर बारात में बारात के साथ जो है वो जाना पड़ा और जब मैं वहाँ ससुराल में पहुंचा तो लोगों की बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अदालत में 1 लाख रुपया हर्जाने का दावा शफीक टेलर के खिलाफ दायर किया गया, जिस पर अदालत के जज ने इब्तदाई बहस के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील को जो है वो नोटिस जारी किया है कि आइंदा आप बहस करें, उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि आया केस चल सकता है या नहीं चल सकता। जी शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, वाकबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।